अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात, मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। फरीदाबाद में इन दिनों सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने आतंक मचाया हुआ है। दरअसल फरीदाबाद की सड़कों पर ओवरलोड ट्रॉलियां चलाई जा रही हैं। ओवरलोड ट्रॉलियों की वजह से कई तरह के हादसे का खतरा भी बना रहता है। वैसे तो इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारी भरकम सामान के ढोने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी होते ही रहते हैं। आइए सुनते हैं इस समस्या को लेकर आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना। श्रीमान जी, शहर में जो बेलगाम ट्रैक्टर चल रहे हैं, लोड होकर भी, बिना लोड के भी चल रहे हैं, बेलगाम चल रहे हैं, इन पर क्या कहेंगे? जितने भी हमारे फरीदाबाद में ट्रैक्टर जो लोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ये कुछ तो उसमें जो जिनके पास शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो, और इन लोगों ने कुछ में ट्रॉलियाँ बड़ी कर रखी हैं, उनमें पीछे रिफ्लेक्टर टेप नहीं होती, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। लेकिन जितनी भी हमारा फरीदाबाद, आपको जैसे मालूम है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और ट्रैक्टर सबसे सस्ता साधन मिल पड़ता है किसी कंपनी वाले को, इसलिए वो इन लोगों को यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिर्फ खेती बाड़ी के लिए यूज़ होना चाहिए था, जो कि आज ये सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे हैं और सबसे बड़ा एक्सीडेंट का ये कारण बनते हैं। सर, शहर भर में बेलगाम ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रॉलियाँ चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली में क्या है कि ट्रैक्टर चल तो रहे हैं, बहुत चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा ना इनके लोडिंग भी हो जो करते हैं ना, सरिये वगैरह और बॉडी से बाहर होते हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण ये बनते हैं। कईयों के पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे, यूपी नंबर की हैं, कई कहाँ की हैं, कोई कहाँ की हैं ट्रॉलियाँ, और कईयों के पास पेपर पूरे नहीं, कईयों के पास कागज़ पूरे। एक्चुअली में कृषि के लिए हैं, तो कृषि के ना करके इंडस्ट्री के लिए लोडिंग करते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर सरेआम ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं। इसी ओवरलोड की वजह से आए दिन हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किसी ट्रैक्टर की ट्रॉली बड़ी है, किसी भी ट्रैक्टर पर रिफ्लेक्टर टेप नहीं है, लेकिन फिर भी ये धड़ल्ले से ट्रैक्टर सड़कों पर चल रही हैं। इन सब के बीच ट्रैफिक पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चलान काटे जा रहे हैं, ट्रैफिक लगातार देखने को आ रहे हैं, कई तरह के मामले गड़बड़ा भी रहे हैं, किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है ट्रैफिक पुलिस द्वारा? देखिए, ट्रैफिक की क्या, हमारे अपने डीसीपी साहब हैं, हमारे सीपी साहब हैं, उनके डेली आदेश होते हैं कि डेली नई तरह के चलान, मतलब हर रोजाना एक हर चीज़ पर फोकस होना चाहिए। जैसे आज हमारा फोकस है, जैसे नंबर प्लेट है, जैसे जो गलत नंबर प्लेट लगाते हैं या विदाउट नंबर प्लेट, उस तरह का, जैसे हमारा कल था अंडर एज का, पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूशन के ज़्यादा से ज़्यादा चलान करने, इस तरह के डेली वो होते हैं। शहर में बेलगाम ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, क्या इन पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? जी, इनके डेली कार्रवाई हो रही है, उनको इम्पाउंड कर रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको इम्पाउंड कर रहे हैं, और जिसमें नंबर प्लेट नहीं है उनके नंबर प्लेट के चलान हो रहे हैं, लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी, लगातार कार्रवाई हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि ट्रैफिक पुलिस दावा तो कर रही है कि वो इस मामले को लेकर लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी फरीदाबाद की सड़कों पर ओवरलोड ट्रैक्टर चल रहे हैं। पुलिस को इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि हादसों को रोका जा सके। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए इंसाफ की बात।